नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों आज आपको बताऊंगा राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 12वीं में हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर दोस्तों जो कि बहुत ही तेज़ी से दोस्तों WhatsApp, Facebook, Instagram सब पे वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2020 का है। दोस्तों यदि ये पेपर आ गया तो दोस्तों आपका है सोने पे सुहागा। तो दोस्तों एक बार इस पेपर को जरूर पढ़ के जाएं। तो दोस्तों देखते हैं इस पेपर में खंड के का पहला प्रश्न जो कि अपठित गद्यांश का दिया गया है। दोस्तों इसमें आपको अपठित गद्यांश फिक्स बता दिया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था होगा। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था का टॉपिक कहीं से भी मिले आपको जल्दी से इसको पढ़ लीजिए। दोस्तों वैसे आपको संजीव या एक्सीलेंट पासबुक है तो दोस्तों आपको ये निबंध में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा प्रश्न अपठित पद्यांश का बताया गया है जिसमें अनुशासन आपको फिक्स टॉपिक बता दिया गया है कि जो आपका अपठित पद्यांश होगा वो आपको अनुशासन से रिलेटेड मिलेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों खंड ख का देखो तीसरा प्रश्न जिसमें ए हमारे पास में शब्द विचार से क्या तात्पर्य है। आई बात समझ में, ये आपकी व्याकरण से प्रश्न आ चुका है। तीसरे का ब है कौन कौन सी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। आई बात समझ में। राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के मॉडल पेपर आंसर की और रिजल्ट से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rklr.in। इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आगे चौथा प्रश्न रेखा अंकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। दोस्तों पहला ए है आज वह नहीं आया। तो दोस्तों आज में कौन सा पद परिचय होगा आपको बताना है। ब है उसने आज खाना खा लिया होगा। तो दोस्तों होगा में कौन सा पद परिचय है दोस्तों वो भी आपको बताना है। दोस्तों पांचवा प्रश्न, दोस्तों आपको फिर से कहना चाहूँगा वायरल पेपर है, ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान बोर्ड अजमेर कक्षा 12वीं 2020 हिंदी अनिवार्य। तो दोस्तों एक बार जरूर पढ़ के जाएं, पढ़ने में आपका क्या लगता है। दोस्तों यदि ये आ गया तो दोस्तों आपके सोने का सुहागा है। दोस्तों पांचवा प्रश्न व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, दोस्तों ये वायरल पेपर है अजमेर से तो दोस्तों एक बार जरूर देख के जाएं, इसको नकारे ना इसको दोस्तों एक बार जरूर देख के जाएं। तो दोस्तों चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों, ठीक है। दोस्तों आगे सातवां प्रश्न अंग्रेजी शब्दों का हिंदी भावार्थ निकालिए, ठीक है, जिसमें ए है हैबिट और बी है बोर्ड, ठीक है। आठवां प्रश्न दोस्तों आगे पत्र का है। आठवां प्रश्न जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जयपुर की ओर से सामान्य शिक्षक के लगातार अनुपस्थित रहने पर पद से बर्खास्त किए जाने की सूचना हेतु अधिसूचना तैयार करनी है। आई बात समझ में, यानी आपको अधिसूचना लिखनी है। नौवां प्रश्न निबंध, निबंध में आपको 300 शब्द लिखने हैं। ए है बेरोजगारी, बी है इंटरनेट, सी है दैनिक खानपान और डी है योगासन स्वास्थ्य का आधार, ठीक है। दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ पहले प्रस्तावना, दूसरा लाभ, तीसरा हानि और चौथा उपसंहार यानी रिजल्ट, ठीक है। आगे खंड ग आता है जिसमें दसवां प्रश्न पठित पद्यांश दिया गया है। या अनुरागी चित की गति समझे न कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलु होई, भजन कहो तांते भजो भजो न एक के बार, दूरी भजन जानते कहियो सोते भजो गवार। दोस्तों आपको बताना है कौन से कवि ने कही है और कौन से पाठ में से आया है। दोस्तों इसी के अथवा में एक और पठित पद्यांश दिया गया है, देख सकते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा का उल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। दोस्तों ये भी आपको बताना है कौन से कवि ने लिखी है और इसका मतलब क्या है और दोस्तों ये कौन से पाठ में से आई हुई है। दोस्तों आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न है जिसमें पठित पद्यांश है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ ये जो पेपर आया है उसमें आपको यही बताया गया है कि पाठ है उसमें से कौन से पाठ में से पठित पद्यांश आने वाला है। तो दोस्तों सर्जन का जो चैप्टर है बाजार दर्शन वहाँ से आया हुआ है और दोस्तों इसी के अथवा में जो पद्यांश है वो है दोस्तों तोलैये एकांकी से आया हुआ है, ठीक है। दोस्तों सर्जन बुक में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। 12वां प्रश्न है किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है, कथन के आधार पर श्रम के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। दोस्तों प्रश्न को लिखते जाइए, वायरल पेपर है दोस्तों अजमेर द्वारा, ठीक है। इसी के अथवा में मधु और वसंत के जीवन में जो मतभेद था उसे कारण सहित तोलैये एकांकी के आधार पर स्पष्ट करो, ठीक है। 13वां प्रश्न नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है, पठित अंश के आधार पर बताओ, ठीक है। 13वें के अथवा में मेरा नया बचपन शीर्षक के आधार पर महादेवी वर्मा के भावों को विस्तार से समझाइए, ठीक है। आगे 14वां प्रश्न कवि बिहारी के अनुसार जगत के चतुर चित्रों को भी मूड क्यों बनाना पड़ा। दोस्तों 15वां प्रश्न आत्म परिचय कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषता का वर्णन करें। आगे 16वां प्रश्न बाजार से सच्चा लाभ कौन उठा सकता है और कैसे। 17वां प्रश्न है हमारे पास में ठेले पर हिमालय शीर्षक की सार्थकता बताइए। दोस्तों आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न कवि करपाराम खीड़िया
अथवा साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का पद परिचय दीजिए। दोस्तों 19वां प्रश्न, नैन नीर युक्त दमक उठे पंक्ति के आधार पर बताइए कि सुभद्रा जी के नेत्रों में आंसू कब और क्यों चमक उठे। ठीक है, आगे दोस्तों 20वां प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध में लेखक ने मजदूरी का भुगतान कैसे करने के लिए बताया है और क्यों। खंड घ। देखो 21वां प्रश्न, सूबेदार ने भी एक सच्ची सिपाही थी कैसे, क्योंकि दोस्तों उसने लेना सिंह को ये वचन दिया था कि आप मेरे पति सूबेदार और मेरे लड़के को अच्छी तरीके से रखोगे, उनका प्रोटेक्शन करोगे उनका। 22वां, दंड देने के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। ठीक है, आगे 23वां प्रश्न, गोरा की कहानी मानवीय संवेदना को प्रकट करती घटना है, गोरा के रेखा चित्र के आधार पर की गई मूल संवेदना लिखिए। 23वें के अथवा में है, खेजड़ली गांव की अमृता देवी ने बलिदान क्यों दिया स्पष्ट कीजिए। 24वां प्रश्न दोस्तों, अजंता एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं में विशेषताएं बतानी है आपको। दोस्तों 24वें के अथवा में है, सेवक का धर्म कठिन होता है कथन के आधार पर तुलसीदास जी के व्यक्तित्व तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य का वर्णन करना है। दोस्तों खंड ड आता है हमारे पास में, जिसमें समाज सेतु से प्रश्न आए हैं। 25वां, रेडियो समाचार की विशेषताएं लिखिए। 26वां, समाचार व आलेख में अंतर बताइए। 27वां, साक्षात्कार का महत्व लिखिए, ये किन किन क्षेत्रों में योगदान देता है। दोस्तों 28वां प्रश्न, पत्रकारिता में टेलीविजन चैनलों की विशेष प्रक्रिया क्या है। दोस्तों लास्ट और अंतिम प्रश्न इस वायरल पेपर का, रिपोर्ट व रिपोर्टाज में अंतर बताइए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लिखा है, दोस्तों नीचे लिखा हुआ है डू नो राइट एनीथिंग हेयर, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। दोस्तों ये वास्तविक पेपर के अकॉर्डिंग ही है, जैसे कि आपने इंग्लिश का पेपर देखा होगा तो उसमें पीछे लिखा होगा डू नॉट राइट हेयर, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल पेपर है। दोस्तों मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन दिए गए हैं इसमें, जो कि बताया गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2020 हिंदी अनिवार्य। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को सुना है तो दोस्तों सुनिए से काम नहीं चलेगा, तो दोस्तों इसको अपनी कॉपी पर लिखिए और प्रश्नों को ढूंढिए कि इनके उत्तर क्या हैं, आई बात समझ में, और अभी आपको याद है तो इनका रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको इस पेपर की पीडीएफ की आवश्यकता है तो दोस्तों आपको आगे मैंने वीडियो में बताया है कि किस प्रकार आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो दोस्तों आगे भी जरूर देखना। दोस्तों यदि आप ये पेपर पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो दोस्तों आपको गूगल पर जाना होगा, गूगल पर आपको सर्च करना होगा आरबीएससी मॉडल पेपर आरजे स्टडी मसाला। आप इतना सर्च कर देंगे दोस्तों, इतना सर्च करने के बाद में आपको ये सर्च करना है। ठीक है, सर्च करोगे आपको सबसे पहले दूसरे लिंक पर जाना है। ठीक है, दूसरे लिंक पर जैसे जाओगे तो आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं के सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाकर इस पेपर का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार गूगल पर जाकर इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करना।